इस जमीन में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे क्यों बनाया? मेरा ये मतलब नहीं था। ये कहानी है कामुक क्रूरता, वो भी ट्विस्ट के साथ। मैंने इसे खींचा और मैंने उसके पंपकिन में रख दिया। अच्छी महफिल, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, क्या बोला था? अरे इधर भी लाओ थोड़ी। क्या बात है, बहुत की रखी है तुमने। उसका हाल देखो। इधर भी डाल दो। एटलीस्ट वो पहले ही काफी पी चुके हैं, अब कोई शराबी नहीं बचा है। क्या उन्हें कोई शराबी मिला? सभी को जरा जरा पिलाओ, वाटर मत देना। बिल्कुल नहीं देंगे। पिछली बार जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मना कर दिया, लेकिन इस बार मैं नहीं मानने वाला। हाँ भाई, कितनी बार बर्दाश्त करेगा कोई। पियो, पियो, पियो। देखो, जब मैंने उससे बात की थी तो उस वक्त उसने पहली बार तो मना कर दिया, लेकिन उसके बाद देखो जरा उसको। मदिराले में आने के बाद अगर ऐसा माहौल ना हो तो क्या मजा आएगा। उसको क्या तुम्हें पता है मैं एक लुटेरा हूँ, हिम्मत, और ये सारी लूट को इकट्ठा करता है। मुझे लगता है ये तुम्हें पसंद करती है। थोड़ी और शराब के बारे में क्या ख्याल है? एमिरेंड, थोड़ी और शराब लेकर आओ। यहाँ पर किसी को छू नहीं सकते हैं, लेकिन पिछली बार तो यहाँ काफी दोस्त आने थे। ये नहीं है डेजी। मैं तुमसे जरूर मिलूंगा मोहतरमा। चलो देखते हैं। बोलने के बाद भी उसने माना नहीं। अभी मैं यहाँ दावत उड़ा रहा होता। कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारा भी वक्त आएगा। हाँ जरूर आएगा दोस्त, मेरा वक्त भी आएगा। तुम्हें पता है कितना मुश्किल है एक मछली को जाल में फंसाना, वो भी तब जब अपने पास माल कम हो। लेकिन एक दिन मेरा वक्त भी आएगा, लेकिन उस दिन के आने तक
क्यों ना जश्न मनाया जाए। खाना पीना थोड़ा बहुत नशा एंजॉय। वो मर गया अपनी मौज मस्ती चालो। वो मर गया सबकी ऐसी की तैसी। वो मर गया वो मर गया वो मर गया। धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। बैठो बैठो आ जाओ। रुको ये सब कभी सपने में भी नहीं सोचा था। महंत और उसके लोग आने वाले हैं समझी? हाँ मुझे याद है। एथलिस तुम्हारी बहन कहाँ है? हाँ यही रास्ता है मुझे पता है। तुम चलो तो सही लेकिन सुनो हमें अभी यहाँ नीचे नहीं चलना चाहिए। ओ मुझे नींद आ रही है पर यहाँ नीचे बहुत अच्छा कमरा है सोने के लिए बहुत अच्छा। नो सर। हाँ यहाँ सो सकते हैं हम। शांत हो जाओ शांत हो जाओ ब्रदर। अल्बर्ट। अल्बर्ट अच्छा नाम है तुम्हारा। तो क्या तुम सिर्फ सोना चाहते हो? लाओ मुझे दो। सॉरी गलती से गिर गया। क्या है? तुम्हें दिखता नहीं चीजों को जरा सही से पकड़ो और आराम से बांटो। मैं साफ कर देती हूँ। जी उसकी मैंडोलिन को। अरे तार टूट गए क्या? इसे अपने पास संभाल कर रखना। हाँ ठीक है। और शराब लाओ। चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तुम बस उसके करीब रहना। तुम्हारी बहन नहीं मिल रही है। मैं और नहीं रुक सकती। जरा ध्यान से करना। और दो मुझे। तुम सब कमीने हो। तुम सब कमीने हो पीते रहो। मैं भी पीऊंगा मुझे भी शराब दो।
मुझे और ज्यादा शराब दो, दो मुझे शराब। मैं थोड़ी देर में आता हूँ दोस्त, तुम पीते रहो बस। आराम से घूम के आओ। दो मुझे। तुम रात को यहाँ रुकना चाहते हो क्या? ये बेहतर होगा, लेकिन मैं भी ध्यान देना चाहूंगा इस खाने पर। वैसे ये टेडियस कहाँ है? मुझे लगता है कि ओ, शायद अपने गोश्त में शराब मिला रहा है। क्या तुमने मेरे अच्छे दोस्त अल्बर्ट को देखा? तुम उसे भी लिस्ट में जोड़ सकती हो जिन्हें हम मारने की फिराक में हैं। बाकियों को हम आसानी से मार सकते हैं, लेकिन इन्हें मारना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो, मैं अपनी छोटे से प्लान के मुताबिक चल रही हूँ और तुम... नहीं, तुम बस इनसे दूर रहो। चीजों को समझो। क्या आपको और ड्रिंक चाहिए? अच्छा, थैंक यू। रुको रुको, यहाँ रखो। ये इन्हें कहाँ से मिल गई? क्या और चाहिए जी? मजे कीजिए भी। लो ना। आज की खबर क्या है? आग की लपटें, सब कुछ जल रहा है। ऐसा नहीं है, पर लोगों ने कोशिश की पर हो नहीं पाया। खैर, इसमें ये ठीक होगा कि तुम खुद जाओ और देखो। जरा मुझे बकवास है। रुको, ये क्या है? ये क्या है? ये तो बहुत ही भयानक है और बहुत ही डरावना है। ये इससे कैसे लड़ेंगे? तुम चुप रहो। चलो, हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा। चलो चलो चलो, जल्दी करो। की हालात एकदम ठीक नहीं है, आप सबको जाकर देखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप खुद जाओ चल के। एए, मुझे तुम पर शक है। रुको, ये सब क्या है? शरबत। नहीं, ये शरबत नहीं है। सुन, ये शराब है।
और ये खून है। ये वही है जिसे मैंने भाई एल्बर्ट और भाई थेडियस के साथ जाते देखा था। एल्बर्ट, इसके कपड़ों पे खून लगा है माय लॉर्ड। ये किसका खून है? मैंने बताया ना। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि कैप्टन हावर को झूठ से नफरत है। दोबारा कोशिश करो। इस पर तो खून लगा है, ये हमारे किसी आदमी का है। चलो इस लड़की से उकलवाते हैं। बता कहाँ है, बता मुझे कहाँ है वो। ये ऐसे नहीं बोलेगी, इसका चेहरा कढ़ाई में डुबो दो। Now. Hey!
रुक जाओ। छोड़ो, छोड़ो। तुम बचकर कहाँ जाओगे? जाना मुझे, तुम मेरे साथ यही करना चाहते थे ना? टीडियस, तुम कहाँ चले गए थे और ये सब क्या है? मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था, मैं तो बस मन बहलाने के लिए वहाँ गया था। चुप रहो, ये अपनी बकवास बंद करो और यहाँ कुछ मदद करो। इन सब से बचने के लिए मैंने तो तुमसे नहीं कहा था, अब बेवजह इस युद्ध को फूंक दो, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। सुनाई नहीं दिया? तुम अपना ये रोना गाना बंद करो और आज के बाद ऐसी बेहुदा हरकत कभी मत करना, समझ गए तुम? नहीं तो मैं ही तुम्हें जान से मार दूंगा। अब और कोई हिंसा की जरूरत नहीं है, प्लीज बाहर आ जाओ, हम उचित समाधान के बारे में बात कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरा यकीन कर लो। वो हमें मार देंगे। ये सब क्या हो गया? मार देंगे? ये सब क्या हो गया? पीछे आओ। वो बहुत खतरनाक है, वो हमें मार देंगे। यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता है? मुझे नहीं पता। हेलो लेडीज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर आओ और मुझसे बात करो। तुम समझ सकती हो कि ये हमारे लिए एक अच्छा सुझाव नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ हमारा यहीं रुकना ही ठीक है। अब तुम इसके अंदर कैद हो, अगर हम आग लगा दें तो आग की लपटों के सामने कोई भी चीज नहीं टिकती है। मुझे मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ से निकलने दो प्लीज, मुझे मरना नहीं है, मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे बाहर जाना है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तुम अपना मुंह बंद करो बेवकूफ। याद रखो कि तुम कौन हो और सबसे पहले अपना मुंह धो और कपड़े पहनो। तुम दोनों ही अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारी जुबान काट कर अपने कुत्तों को खिला दूंगा। जरा ध्यान से सुनो, मैं हूं लॉर्ड रोविन ऑसमिन। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं और मेरे पिता कौन हैं। वो इन जमीनों के राजा हैं। अब तुम्हारी लड़ाई इन लोगों के साथ है ना कि मेरे साथ है, क्या यह सही है? तो क्या तुम राजी हो सकती हो जब हम दोनों के लिए कठिन स्थिति है? बात मनवाने का अच्छा तरीका है। कोई नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं हमें कोई समझौता कर लेना चाहिए जिससे हम दोनों संतुष्ट हो जाएं। और वो समझौता क्या होगा? मैं इस दरवाजे को खोलूंगा
और आगे के लिए शांति बनाए रखते हुए चला जाऊंगा। तुम और तुम्हारे लोग, उन्हें ये दरवाजा खुला हुआ मिल जाएगा तो यही करो। ये पूरी तरह संतोषजनक लगता है। माय लॉर्ड, अब आप क्या करेंगे? चुप रहो, मेरे करीब रहो, बस यही ठीक है। हम बाहर आ रहे हैं। शांत हो जाओ। क्या, वरना इसे मार डालूंगा। रुक जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, समझ गए? छोड़ दो मुझे। तू अपना मुंह बंद रख। शांत हो जाओ, ये सब मेरा प्लान था, याद आया? बताओ तुम यहाँ क्यों हो? पहले से छोड़ने को कहो, जल्दी। मैं तुम्हें बताऊंगी। तुमने बदले में इसकी जान क्यों ले ली? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैंने तुम्हारे दो काम कर दिए, अब तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। तुम अपनी तलवार को नीचे फेंको। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, अगर तुम हमें मार दोगी तो अपने परिवार को दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। वो सब मर चुके हैं। तुम्हारा परिवार मर चुका होगा, लेकिन औरों का क्या होगा, ये तो सोचो। तुम चुप रहो। मार दो मुझे, लेकिन तुम्हें फिर कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। फिर वैसे ही जीती रहना जैसे अभी जीती हो। ये झूठ बोल रहा है, वो मर चुके हैं। वो झूठ बोल रहा है। ये अंगूठी, ये तुम्हें कहां से मिली? एक खास आदमी की है जिसका व्यापार उत्तर की ओर होता है, और इस बारे में मैं यही जानता हूँ, यही मेरा तर्क है। तर्क है? ये कुछ नहीं जानता है। नहीं, मत मारो। वहां उत्तर से एक बोट पहुंचने वाली थी, हमने उन्हें स्केल्डिंग लोगों को बेच दिया। तुमने मेरी जमीन पर ये सब क्या किया? ये सच है। तुम उनकी भाषा समझते हो? उनकी भाषा बोलने वाला एक आदमी था जो उनसे बात कर सकता था। वो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं। उनसे बोलने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सामान चाहिए। शायद मुझे इससे मदद मिल सकती है। ये बताओ, जेल की चाबियां किसके पास है? ऐसा लग रहा है आपको ज्यादा हो रहा है।
इन नामुरादों को यहां से बाहर फेंको। ओ डार्लिंग, क्या तुम्हें मेरी याद आई? ओ, तुम आ गई। अब तुम हमें आजाद कर रही हो ना? अभी तुम इसे खोल दो। हमें याद आ गया कि तुमने पिछली बार हमारी अच्छे से बैंड बजाई थी, है ना? क्या यह सच में जरूरी है? ये तुम्हारी रक्षा के लिए है। मुझे क्या जरूरत? ये तो वही बेहरम कमीना है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं क्या कहूं, मेरे लोग मुझे बहुत चाहते हैं। मेरा मतलब, मैं इसे जरूर मारना चाहूंगा। क्या मैं पूछ सकती हूं कि तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई? वहां ऊपर जब वो कमीने हिंसक हो गए थे और सभी के पीने के वांदे हो गए थे, मैं तो वहां चुपचाप बैठा था। मैंने कुछ मांगा, मुझे बस एक ही बार मिला वो। क्या? वो तुम्हें गुलामों की तरह बेचने वाले थे उन लोगों के पास। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है? तुम लोग इस लड़की की बातों पे विश्वास कर रहे हो? अभी अभी तुमने क्या कहा? ओ बेचारी, मैं तुम्हारी जुबान और सर दोनों काट दूंगी। मेरी जुबान बहुत सारी भाषाएं बोल लेती है। चल मार मुझे। चुप हो जा। लॉर्ड को हथकड़ी लगाओ। शुक्रिया। चुप रहो। उत्तर के लोग लॉर्ड के सिपाहियों से भी भयंकर हैं। हाँ, ये लोग खास करके हमारे लॉर्ड की अदला बदली की जा सकती है। अदला बदली क्यों? हमें कौन बचाएगा? बता दी क्यों नहीं हो कमीनी चुड़ैल? ए, सुनो सभी, इस आदमी के सर पर बहुत बड़ा इनाम है। उसे जल्दी से लाना होगा जैसे ही हम यहां से बाहर जाएंगे। नहीं नहीं, वो हमें मार देंगे, मार देंगे। नॉर्थमैन, अब बताओ। हो सकता है वो समुद्र से आए। मैंने कहा था ये झूठा है। नहीं, ये सच है। ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, मुकाबला करना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारना। मैं तो बस मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारना। तुम सबको मेरी जरूरत। मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा। क्या तुम्हारे मेहमान हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लगता है वो लोग आ गए। सुनो, तुम वहां जाओ, जाओ कर देखो, वहां पर जाओ जल्दी, देखो उधर। ठीक है। पता वो
जहाज कहाँ है जो तुम लेकर के आए थे? हाँ। वो वापस करो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। कौन लोग हैं? मैं बता दूंगा। तुझे बताना होगा। कहाँ रखा है तुमने जहाज को? बताओ, बोल। देव जी पूछो इससे। मैं देखती हूँ। डेजी, देख मेरी नाव तुम लोगों ने कहाँ छपा के रखी है? बता जल्दी, तू हमें बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ओ, ये तो नए दोस्त हैं। बता, ये नाव तूने कहाँ छुपाई है? लगता है वो किसी नाव को ढूंढ रहे हैं। नाव? नाव? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखो। जहाज बस चलो। तुम ठीक हो? सच में? हाँ मैं ठीक हूँ। उन्हें तुम पर गर्व होगा, देखते। इन लोगों का यहां आना सच में खुशी की बात है, क्योंकि ये हमारे लिए दुश्मन के खिलाफ चट्टान जैसे हैं। लेकिन ये यहां क्यों आए हैं? हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं, हम फंस गए हैं यहाँ पे, हमारा बचना मुश्किल है। सब दरवाजे के पीछे खड़े रहो। कोई नहीं बचा सकता हमें, जल्दी करो दरवाजा बंद कर दो। उन्हें अंदर मत आने देना। ला मुझे दो, ला मुझे दो, मैंने कहा मुझे दो, दो मुझे। पीछे जाओ। जल्दी करो, जल्दी। क्या हम इन्हें उसके पास ले जाए? क्या कहती हो? हाँ उसके पास ले जाओ। ओए, ओए, हाँ तुम। हम यहाँ फंस चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम फंस चुके हैं सच में। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हारा साथ देने के लिए कोई तरीका नहीं बचा है। पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारी टांग कैसी है? एक बार मेरा हाथ खुल जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसी है। तो दिखाओ तुम लोगों ने किस किस को छुपाया है। अब ये किस को लेकर के आ रही है?
चलो सबको दिखाओ। सुनो तुम सावधान रहना। मेरे ख्याल से इस बिल्डिंग के कैप्टन है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये लोग कोई और हैं। तो ये यहाँ पर है, मैं इसे खोलता हूँ। तो तुम इन्हें जानते हो? हाँ, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो मैं तुम्हें इनके बारे में अच्छे से समझा सकता हूँ। नहीं, चलो निकलो। चलो जरा आराम से डार्लिंग, अपनी औकात में रहो। जरा आराम से, नहीं तो कट। ज्यादा होशियारी मत करो, समझ गए? मेहनत लगी पर काम हो गया। मौका देखते ही मैंने अपनी उंगलियों का कमाल दिखा दिया। उंगलियों का कमाल क्या मतलब? अब बाहर जाने का रास्ता साफ है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? वो दानव यहाँ तक पहुँच गए। नहीं, हमारी नाव कहाँ है? हमारे पास नाव नहीं है, लेकिन हम नाव ला सकते हैं। हम बंदोबस्त कर सकते हैं। तुम हमारी नाव वापस कर दो, हम चले जाएं। बताओ जल्दी, तुम इन लोगों से क्या चाहते हो? पर मैंने नाव नहीं देखी। तुम उस नाव का क्या करोगे? मुझे सच में नहीं मालूम कहाँ है। क्या तुम मुझे भी यहाँ से निकालोगे? लगता है वो लोग आ गए, वो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हें छोड़ के नहीं। चुड़ैल कहेगी मैंने तुम्हारे लिए पैसे खर्च किए चुड़ैलों, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। अब ये स्किल्डिंग कहां से आ गए? स्किल्डिंग? ये बताओ तुम स्किल्डिंग को कैसे जानते हो? इसका मतलब तुम स्किल्डिंग को जानते हो? तुम ही ने हमारी नाव चुराई है। मेरा ख्याल तो ये है कि तुम इनकी नाव लौटा दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम लोग सालों तक एक साथ काम कर चुके हो। सुनो, अगर तुम हमारी नाव नहीं दोगे तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। ये कुछ आंख वगैरह निकालने की बात कर रहा है, तुम्हारी आंखें निकाल लेगा। बताओ हमारी नाव कहाँ है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके सवालों का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा। तुम हमारी बातों का मजाक उड़ा रहे हो क्या? ये यहाँ रात के अंधेरे में पहुंचे? सुबह पहुंचे। मार्शल, तुम गेट को ठीक से बंद रखना, खुलने मत देना। चलो कम से कम मेरी परेशानी तो खत्म हो गई। उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी बोट दे दो, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। तुम उनसे बात कर सकते हो? स्किल्डिंग से? हम चाहते हैं कि तुम स्किल्डिंग से बात करो, जानकारी निकालो। तुम्हारे लिए मैं बात करूं? तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ, याद है तुम्हें? टॉर्चर किया, और तो और जेल में भी डाल दिया मुझे, है ना? इससे तो अच्छा ये होता कि तुम मुझे मौत दे दी। उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। फिलहाल हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हम क्या करें। मैं ऐसा नहीं मरना चाहता। अपने आप को शांत रखो। मुझे बाहर जाने दो। मैं अंदर नहीं मरना चाहता, मुझे बाहर जाने दो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। देखो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी बात सुनो, ये बात सुनने का समय नहीं है। आओ हमारी सहायता करो, वो अंदर आने ना पाए। दरवाजे को पकड़ कर रखो। उन लोगों का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? चुप। क्योंकि ये लोग इस वक्त बहुत सारे हैं, सामने से निकलना बहुत मुश्किल है।
तुम्हें अगर कोई और रास्ता पता है तो बताओ। पीछे के रास्ते बाहर निकलते हैं, चलो। अब बाहर जाने का रास्ता है। दोस्तों प्लीज तुम लोग मेरी हथकड़ी खोलो, चाबी लो, हथकड़ी में लगाओ और इसे खोलो। हम सीधे सीधे अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, प्लीज। हाँ हाँ, खोल देंगे। पहले हमें अपना काम कर लेने दो। वैसे भी ये सब तुम्हारी चाल है जिसमें तुम खुद फंस गए हो। प्लीज मुझे बाहर आने दो। हाँ, ये यही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ओ, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या ये तुम्हारा है? यस। और ये भी नहीं। इसमें क्या है? नो। क्या मुसीबत है? अब ये क्या चीज है? डराने से कोई नहीं, तुम गलत कह रहे हो। जब तक गार्ड्स वहां मौजूद हैं, तब तक वो किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, और वही हमारी आखिरी उम्मीद भी है। जरा माफ कीजिएगा, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं हर शाम यहाँ पे गाना गाता हूँ, आप लोग सुनना चाहेंगे? अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, एक बार मौका दीजिए बस, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। ऐसे हालात में भी तुम्हें गाना सुन रहा है? बेवकूफी की हद होती है। तुम गाना बाद में सुना देना। क्या दरवाजा खुलना नहीं चाहिए? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता दरवाजे पर कौन है, पर वो अंदर आ रहे हैं। वही करना जो मैं कहती हूँ। तलवार दो। वो अंदर आ जाए तो दरवाजा बंद कर देना। तैयार हो? मार्शल, जैसे ही वो अंदर आए उन पर हमला करना है, समझ गए ना? तैयार हो जाओ, सब तैयार रहो, चलो। दरवाजा बंद करो अभी। गाड़ी को दरवाजे पे लगाओ। बंद करो, जल्दी करो। अब ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। Oh, no! No! No!
चाबी दो, मुझे चाबी दो, जल्दी करो, जल्दी चाबी दो, चाबी दो मुझे, चाबी दो, जल्दी करो, चाबी दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आवाज मत करना। वो मुझे मार देगा, मार देगा, मार देगा। शांत हो जाओ, आवाज मत करो। कोई नहीं बचेगा। नीचे मैंने उनमें से एक को कैद किया है। अभी तो हमने इन्हें मार गिराया, लेकिन आगे सावधान रहना होगा। हाँ, हमें आगे सावधान रहना होगा। अगर ये नहीं होते तो तू भी जिंदा नहीं बचता। ये सही कह रहा है। ये कौन है? चलो पता लगाते हैं। हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए यहाँ से। नहीं, हमें उससे पहले ये पता करना चाहिए कि वहाँ नीचे कौन है। हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना मारे जाएंगे। कहता हूँ तुम शांत हो जाओ। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। थोड़ा सब्र रखो तुम, हालात नहीं नजर आ रहे तुम्हें क्या? तुम देख रहे हो ना कितना जबरदस्त हमला हुआ। अगर बाहर गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमें यहीं रहना चाहिए। मेरी बात समझो। हम यहाँ से नहीं गए तो हमारे जाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लगता है ये फिर से जागेगा? कुछ नहीं हुआ ना? उसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। शायद अब तक तूने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं भूले हैं, समझा? बता कहाँ है वो चुराए हुए सिक्के? बता देना, बता दे, उसी में भलाई है। अगर नहीं बताए तो जमीन में तेरा सर काट दूंगा मैं। बाद में पता चल जाएगा। क्या लगता है हम पता नहीं लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है, ये अभी भी यही है जो हमारे लिए सिक्कों से ज्यादा है। अब
तू मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे बता दे कि तूने वो कहाँ रखा है। याद करने की कोशिश कर कि तूने उसे कहाँ रखा है। ये मेरा शिकार है। हम उससे कुछ जानकारी पाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे साथ आओ। तुमने ही मेरी चाबियां ली होंगी। आराम से डाली, ये आपसी मामला है। पूछो उसे कि क्या चल रहा है। उन दानवों को सिर्फ यही लोग चाहिए। क्यों? ये लोग पूछ रहे हैं, ये दानव तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़े हैं, और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है जिससे कि हम लोग बच सकें? क्या वो समुद्र से आए हैं? वो लोग समुद्र से नहीं आए, लेकिन ये बात तुम पहले से जानते थे। क्या यहाँ बाहर जाने का रास्ता है? वाल्टर, हम चलते हैं। बाहर जाने का कोई फायदा नहीं, बाहर कोई नाव नहीं है। हमें तैरना आता है। तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी अगर उन चट्टानों से टकराओगे। मुझे तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए लेडी। एग्जिट कहाँ है? तहखाने से है। वहाँ से एक पतला सा रास्ता जाता है जो सीधा बंदरगाह पर जाकर खुलता है। रुक जाओ यहीं। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इन्हें रुकने को कहो। सब यहीं रहेंगे। हमें इंसानों की ढाल चाहिए। इंसानों की ढाल। बहुत अच्छा आइडिया दिया। इन्हें बैंड बजवाना है तो बजवा ले, लेकिन हमें तो जाना होगा। चलो दोस्त। क्या मैं तुम्हें इंसानी ढाल दिखती हूँ? ये लोग तुम्हारी ढाल बनने के लिए तैयार नहीं हैं। उसने गलत समझा। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए। ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें। बोथ। सब कुछ विस्तार में बताओ। बोलो। अगर हमें आज रात जिंदा रहना है तो तुम्हें ये सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम बच भी गई तो ये तुम्हें यहाँ गुलाम बना लेंगे। समझ गई कि नहीं? अपने आप को देखो, मैं तुमसे ज्यादा तगड़े लोगों को दफना चुकी हूँ। तुम मुझसे मजाक कर रही हो या धमकी दे रही हो? ये धमकी नहीं है, इसलिए इस पर विचार करो। तुम इतनी बेवकूफ हो, मैंने सोचा नहीं। तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारे काम का हूं। तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं नहीं डरने वाला हूं, समझ गई? मुझे बस तुम्हारी जुबान चाहिए। रुको रुको रुको, अभी तो मेरी जान ही चली जाती। मैं यहां तुम्हारे साथ नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूं यहां से। ठीक है, देखो, हम लोगों को तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, और तुम पर भी, तो तुम भी भरोसा मत करो, समझ गए ना? एक बात तो साफ है कि हम सब लोग यहां पर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब बताओ, हम पहुंच तो गए और हम कर भी सकते हैं, पर कैसे? कैसे भी हमें अब तैरना होगा। हाँ, हम तैरते हुए पहले उस तरफ जाएंगे, उस तरफ। चलो शुरू करें। आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। चलो आ जाओ, जल्दी करो मैन। अरे कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अब क्या करूं? तुम इन्हें समझाओ कि राक्षस कौन है। वो दानव नहीं है, शापित इंसान है।
और उनकी रक्षा कौन करता है? उनकी रक्षा एक ताबीज करता है। इनसे पूछो उनका खजाना कहाँ है। खजाना? और कौन लेकर आया है? क्या वो उस जगह पर है? हाँ, पता करो। और किसने छुपाया? अंधेरी जगह पर है। मौत। मौत सबकी होगी अगर नहीं दिया तो। और इन लोगों ने वो जगह खोज ली है, इसीलिए वो हमारा पीछा कर रहे हैं। उन शापित इंसानों के साथ उनका राजा भी आया है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, वो बोल्ट है और खतरनाक भी, उसके सभी आदमी। और वो सारे शापित इंसान हमारी तरफ ही आ रहे हैं। उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया है। वो शैतानी फरिश्ता जो उनका राजा है, उनका राजा आग उनकी कमजोरी है। यह कहानी है आग की, आसमान में दक्षिण की तरफ उनका बहुत बड़ा झुंड, मौत का सौदागर, इंसानों को शापित कर देता है। क्या कहा? जो जिंदा इंसानों को जिंदा शापित करता है और इंसानों का मांस खाता है। तुमने क्या कहा? इंसानों का मांस? हाँ, वो ही खाकर जिंदा रहते हैं। ब्रानक, ब्रानक, मैं वहां पैदा हुआ था। आसमान से कुछ आया था, उसके बारे में पूछ रहा है ये। कुछ साल पहले जब मैं छोटी थी, मुझे वो आवाज याद है जो मैंने सुनी। वो बहुत तेज थी और चौंधिया देने वाली रोशनी, और पूरी दुनिया में कोहरा छा गया था। मेरी माँ, मेरी माँ। मेरे पिता ने एक बार कोशिश की थी, लेकिन अभाग्यवश बहुत सारे लोग मारे गए। वो वापस आ गए और मेरे पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, और मेरे पिता का सपना चूर चूर हो गया। ये कहानियां बताना उन लोगों के बारे में, उन वीरान जगहों के बारे में, बड़ी अजीब कहानी थी। मुझे ये कहानियां मजाक लगी। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं उन पागल लोगों की बात का यकीन क्यों करता। खैर, अब हम यहां हैं, वो भी यहां हैं। उन्होंने इसे आश्चर्य माना। एक बहुत ही भयानक रोशनी ब्रानक पर आकर गिरी, और यह सब पूरी तरह फैल गया। इसने पूरे गांव को प्रभावित किया। वहां सब कुछ जल गया, वो सभी लोग जो उस जमीन पे थे। हर तरफ तबाही, हाहाकार। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ मौत का खेल हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये सब अफवाहें और लोगों का भ्रम था। इस भ्रम ने मेरी बीवी और बच्चों को छीन लिया। मेरा यकीन करो जो मैं कह रहा हूं। अगर तुमने वो तबाही देखी होती तो। मतलब तुम ही जानते हो उनके बारे में? सब मारे जाएंगे। कोई है? मेरी मदद करो। तुम्हें यहाँ के रास्ते कैसे पता चले? बहुत पहले तुमने ही अपने उन खुफिया रास्तों के बारे में सबको बताया था।
क्या जानते हो तुम? कुछ नहीं, मैंने पहले ही बता दिया जो मैं जानता था। तुम नीचे के सभी रास्तों को जानते हो है ना? उस बारे में कुछ और बताना चाहोगे? नहीं, वो रास्ते सही नहीं है, बल्कि हम यहाँ ज्यादा महफूज हैं। वो रास्ते जाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर हम सब उन रास्तों से गए तो वो राक्षस हमें छोड़ेंगे नहीं। मेरी बात मानो, यहाँ से कहीं मत जाओ। ये क्या है? उसे पता है मैं क्या पूछ रही हूँ? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मैं सोच रही हूँ तुम्हें ये तीर खींचने में मजा आएगा जब ये तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेगा। ये मुझे समझ सकता है? तुम ऐसा तो नहीं होने देना चाहोगे? होने दोगे क्या? ओ, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातें उन तक पहुंचाऊं? मुझे पागल समझा है? ये कह रही है कि ये तीर तुम्हारे मारेगी, समझे तुम? तो इस पोटली में तुमने ये छुपाया था? मेरा मतलब ये यही है जिसकी वजह से सारा लफड़ा हो रहा है। वो लोग इसे वापस लेने के लिए इतना बवाल मचा रहे हैं। हम इन्हें ये वापस दे देते हैं ताकि हम सब की जान बच जाएगी। क्यों? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि हमें उन्हें ये चीज देकर यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। यही करना ठीक होगा, उसके बाद हम सबकी समस्या हल हो जाएगी। हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, हम अभी ऐसा नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता। ये उनको वापस नहीं दे सकते। सब बर्बाद हो जाएगा। वो तो होना ही है। सब मारे जाएंगे। मर जाने दो। कैसे? तुम्हें पता नहीं होगा, ब्रैनक में तीन लोग ऐसे थे जो बहुत ही खतरनाक थे। कमीने, तीन कमीने जो सब मिलकर इस ताबीज की रक्षा करते थे। तीन लोग जो ताबीज की रक्षा करते थे। ये ताबीज हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। इस ताबीज में इतनी शक्ति है कि ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। सब कुछ, शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा को हमारी रूह हमारी नहीं रहती। रूह दानों में बदल जाती है। इस चीज को उन्हें देना अपनी मौत को बुलावा देना है। अगर हमने ये दे दिया तो सबकी मौत हो जाएगी। मौत? ये क्या हो गया? इन पर उनका असर हो गया है। इन्हें क्या हो रहा है? Ah!
हम क्या करने वाले हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम उन सबको मारने वाले हैं। नहीं, हमें वो जिंदा चाहिए। ये उन्हें जिंदा चाहती है। तुम्हें बताया था ना कि उस ताबीज को हम नष्ट करने वाले हैं। और नहीं करेंगे तो सब मारे जाएंगे, समझी? सही, ये बहुत अच्छा है। हम उनकी चीज लेकर यहाँ बैठे रहेंगे और वो वहाँ बाहर वेट करेंगे। हम उन्हें वापस कर देते हैं, हम सब बच जाएंगे। और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर हम यहाँ पे मर भी जाएं। देखो, अगर हम सब एक हो जाएं तो उन कमीनों को कल सुबह तक रोक सकते हैं, और सुबह हम उनसे कैसे निपट सकते हैं इस बारे में सोचेंगे। उसके बाद सब अपने अपने रास्ते, ये अपने पैसे ले जा सकता है, यहाँ जिसका शरीर है वो अपने परिवार के पास जा सकता है, और इन लोगों को जहाँ जाना है वो जा सकेंगे। मेरा मतलब यही सब करना ठीक रहेगा, और हमें यहाँ पर एक साथ रहना होगा। मैं तैयार हूँ। सुबह होने का इंतजार करना होगा। सुबह का इंतजार? मैंने कहा ना करना होगा। ठीक है, सुबह का इंतजार। सुबह का इंतजार? क्या बकवास है, तुम सब पागल हो, तुम सच में पागल हो। सब आ गए। वो यहां कब तक पहुंचेंगे? 3 घंटे में। वो अब पहले से करीब है, उनकी पूरी सेना है, वो दरवाजे उन्हें नहीं रोक पाएंगे। तो और क्या उपाय है? मैंने खुद उन गुलामों के सौदागरों को भी इनसे हारते देखा है। क्या वो खुफिया रास्ते उनसे बचने में काम आ सकते हैं? कोई फायदा नहीं, वो दानव हर जगह हमारा पीछा करेंगे। मेरे लोग आसपास हैं, उनकी मदद से हम निकल सकते हैं। ये सब छोड़ो, उन कमीनों से भिड़ना इतना आसान भी नहीं। वो तो अभी सिर्फ सामने के दरवाजे के आसपास है। तुम्हें लगता है तुम जा पाओगे? देखो, अगर तुम सब यहां रहोगे तो पक्का मर जाओ, अगर मैं गया तो क्या पता तुम सब बच जाओ। अगर तुम वापस नहीं आए तो हमारा क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। गुफा में भी वो दानव तैनात है, वहां जाना मरने जैसा है। मेरे पास एक तरकीब है। सबसे पहले मुझे वो आदमी मेरे साथ चाहिए। मेरे पास भी कुछ जादू है जो तुम्हारे काम आ सकता है। ठीक है, हम इन्हें रास्ते में छोड़ेंगे। ऐसा करने से वो लोग मरते जाएंगे और हमारा आगे का रास्ता साफ होता जाएगा। अगर इससे काम नहीं हुआ तो मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, ये काम आ सकता है, लेकिन बाद में मुझे इसे वापस भी चाहिए। काम हो जाने के बाद ये तुमसे वापस चाहता है, क्या तुम उसे लौटा पाओगी? वापस? तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें उसे जिम्मेदारी से वापस करना होगा। ये गलत है, इसी शर्त पे ये तैयार हुआ है। मुझे दीजिए। नहीं, तुम्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। दीजिए मुझे। नहीं दी जाएगी, समझो। शांत रहो। क्या तुम तैयार हो? ये करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये अच्छे लड़ाकू हैं, बस वही करो जो करना है। लेकिन मैं तो मुझे बस तुम्हारी ही नहीं, हर किसी की चिंता है। मुझे फेयरफैक्स में मिलना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें छोड़कर जाऊं। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करो। मैं तुम्हें सुरक्षित करना चाहती हूँ। प्लीज तुम बस अपना ध्यान रखना। क्या तुम तैयार हो?
जब मैं वापस आऊंगा, अगर मैंने वापस आना चाहा, मैं सोचता हूं कि तुम और मेरी ये जगह इस तरह से नहीं होना चाहिए। तुम मेरे पिता की जमीनों पर मेरे सिपाहियों के साथ ऐसा करने की सोच से दूर रहना। मैं कोशिश करूंगी। मुझे लगता है हम एक बड़ी मछली फ्राई करने जा रहे हैं जिसके साथ खूनियों का एक समूह है। लेकिन ये काम करेगा, मैंने कहा था ना ये काम करेगा। खेल शुरू करते हैं। ये तो कमाल की है। वो दूर जा रहे हैं। अच्छा है, अब हम भी चलते हैं। वो कहां गए होंगे? पता नहीं, लेकिन मुझे इन पटाखों से उन्हें भगाने में बहुत ही मजा आया। क्या वो चले गए? अभी कुछ देर के लिए उनसे कोई खतरा नहीं है। मुझे डर लग रहा है। अगर तुम अपनी ये बेहुदा हरकतें कभी जिंदगी में दोबारा ना करो तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी ऐसी नौबत नहीं आएगी। देखो, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि हमें साथ में काम करना होगा। मैं हूँ निकी और मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम साथ दोगे तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। समझ में आई तुम्हें ये बात? हाँ ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू मत कहो। ऐसा लगता है एलन उनके साथ यहाँ से उत्तर की तरफ जा चुकी है। क्या सच में वो दूर चली गई? ऐसा ही लगता है। क्या चल रहा है यहाँ? कोई फायदा नहीं, जाता हूँ। क्या हुआ? क्या ये तुम उन्हें देने को तैयार हो? उस औरत की मुझ पर कड़ी नजर है। मैं उस औरत को किसी तरह उलझा कर रखता हूँ। उसी बीच तुम्हें देकर आना होगा। नहीं नहीं, आ
आए बाहर। जाने दो मुझे। क्या हो रहा है बाबा? रुक जाओ, मुझे जाना है बाहर। जाने दो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मुझे मेरी बेटी को बचाना है। कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें यहीं पर रहना होगा। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। जाने दो मुझे। नहीं है इसमें। कहां गए? किसने चुराए हैं? वो अपनी ताबीज के बारे में पूछ रहा है। तुम्हारा वो दोस्त कहां गया? तुमने किया ये सब? ये तुमने क्या कर दिया कमीने? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? घर में जाओ।
मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि आखिर तूने ऐसा तुम्हें क्या मिला? मुझे जो सही लगा मैंने वो ही किया। अब बिल्ली फंस गई है एक चूहे की तरह। अब अगला कौन है? कौन है? तुम हो बेहुदा इंसान, अब तेरी बारी है, समझा? अब तेरी बारी है। उनका राजा उनके साथ है, वो बिना ताबीज के यहां से नहीं जाने वाले। उन्हें रास्ते का पता चल गया। अगर अभी हम कुछ कर सकते हैं तो वो है उनसे लड़ाई। एथलेस, क्या तुम हमारे साथ हो? एथलेस! हुए थे तुम? मैं तुम्हें जला दूंगा। Yeah!
यहाँ से। सब बाहर निकलो। तो तुम क्या चाहती हो? तुम चाहती हो कि मैं तुमसे भीख मांगूं अपनी जिंदगी की? मैं तुझे मरा हुआ देखना चाहती हूँ कमीने। चलो हमें चलना चाहिए। शायद तुम्हारा है। मैं तो तुम्हें भूल ही गया था बड़े भाई। लो उसके यहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 20 मिनट या उसे यहाँ आने में आधा घंटा भी लग सकता है। मेरे पास स्केल्डिंग के बारे में कुछ सवाल है। तुम्हारी एक्सपर्ट वाली राय के मुताबिक ये बता सकते हो कि अगर उनकी वो चीज जिसे वो पाना चाहते हैं वो नहीं मिली तो क्या वो हमारा पीछा करते रहेंगे? हाँ कर सकते हैं। उन्हें ज्यादा अच्छी नाव पसंद है।